और आखिर में रन्स, रूट वर्ड अपीयर हो गया। ओके, अनफ्रेंडली इसका रूट वर्ड फ्रेंड है, यहां पर अन और ली प्रेफिक्स सफिक्स रूट वर्ड फ्रेंड। इंटरएक्टिव, इन ट्यू प्रेफिक्स सफिक्स और इसका असल रूट वर्ड है एक्ट, इंटरएक्टिव। तो जो एक्टिव ये जो बाद में एंड हुआ है ये सफिक्स है बच्चों। लास्ट वन मिसअंडरस्टैंडिंग, ये पूरा वर्ड है। अब इसमें प्रेफिक्स क्या आएगा, मिस, ओके, सफिक्स आएगा ये आईएनजी जो बड़ा आएगा। रूट वर्ड जो है मिस, ये अंडरस्टैंड आएगा, अंडरस्टैंड ये रूट वर्ड है, ये इसका बेस है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वर्ड दिया हुआ था अनसीन केबल, इस पर से हम लोगों ने 12 वर्ड्स को देखे। यहां पर ये पूरे 12 वर्ड्स में प्रेफिक्स सफिक्स दोनों हैं, ये असल बात है। अक्सर हम देखते हैं इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जिसमें सिर्फ प्रेफिक्स होता है या सिर्फ सफिक्स होता है, वो भी हम उस पर समझ गए। अगर मैं यहाँ सिर्फ एक वर्ड लिखूँ एबिलिटी, डिसएबल, एबल डिसएबल, तो डिसएबल में सिर्फ प्रेफिक्स है डिस, एबल तो रूट वर्ड है। या अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक वर्ड हैप्पी, है ना, रूट वर्ड हैप्पी, अब मैं उसको कर दूँ अनहैप्पी, तो सिर्फ यहाँ पर क्या है प्रेफिक्स अन ऐड हुआ। इस तरह से देखेंगे बच्चों, मैंने लिखा हैप्पी, अब मैं इसमें अन ऐड कर दिया और ये मैंने लिखा हैप्पी, तो ये क्या बन गया अन हैप्पी, ठीक है। अब इसमें मैं अगर सफिक्स पढ़ा दूँ, अब मैं यहाँ लिख दिया हैप्पी प्लस नेस, जब इसको मिलाकर कंपाउंड वर्ड लिखेंगे हम वाई की जगह आई आएगा हैप्पीनेस हो जाएगा, हैप्पीनेस। तो ये क्या हो गया सफिक्स हो गया, ये क्या हो गया प्रेफिक्स हो गया, लेकिन रूट वर्ड क्या है हैप्पी है। समझ में आया बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को और एक दो बार देखना, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। इसके बाद का पार्ट जो क्वेश्चन है वो भी प्रेफिक्स सफिक्स पर ही डिपेंड है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।